नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्रव्यूह में। आज देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में पूरे देश में उत्साह भी देखने को मिल रहा है और खास बात तो ये है कि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां मुस्लिम धर्म के लोग भी जन्माष्टमी के पर्व पर धूमधाम से भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं और भाईचारे की तस्वीरें तो काफी अच्छे से देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन आजकल धर्म की राजनीति ने भारतीय सभ्यता की नींव को हिला दिया है। चार घटनाओं के बारे में आज हम आपको चार के चक्रव्यूह में बताएंगे जो मध्य प्रदेश से हैं और एक घटना यूपी के बरेली से है। आज इन्हीं चार घटनाओं पर विस्तार से बात होगी और होनी भी चाहिए। मजहब के दामन में जो धर्म का चोला छिपा है वो देश के लिए नासूर बन गया है। भारत के किसी भी मुसलमान के पास अगर रोजगार नहीं हो तो वो कहाँ जाए। कोई मुस्लिम चूड़ी बेचे तो उसे महज इसलिए पीट दिया जाता है कि वो मुस्लिम है। कोई टोस्ट बेचने आता है तो उसे पीट दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान है। कोई टोपी लगाता है तो उसे पाकिस्तान जाने की धमकी दी जाती है क्योंकि वो मुसलमान है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या मुस्लिम होना देश में गुनाह है। ये सवाल इसलिए कि मुस्लिमों के नाम पर जो धर्म के ठेकेदारों ने प्रथा चला दी है उससे कानून का फंदा क्यों दूर है, जबकि ये भी उसी भारत के लोग हैं जिसमें सबसे बड़ा लोकतंत्र बसता है। आतंकवाद, लव जिहाद, गौमांस, तीन तलाक, दाढ़ी, टोपी और नमाज, जो कुछ भी, ये सभी चीजें धर्म के ठेकेदारों के बड़े दुश्मन हैं। ये उनके सामने आते ही देशद्रोह का ठप्पा या पाकिस्तान चले जाने की नसीहत के धमकियां टूट पड़ती हैं। टूटी बिखरी नागरिकता के साथ ही मुसलमान कैसे रह पा रहे हैं और आगे कैसे रहेगा, ये सोचना और पूछना मानो गुनाह हो गया है। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि ये एक भयंकर हिंदूवादी गुर्राहट का दौर है जिसकी परिणति हम लोग झपटमार और हत्याओं में होते देख रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है जिसमें कुछ लोग एक मुस्लिम शख्स को टारगेट करते हैं और किसी ना किसी बहाने से पीटने लग जाते हैं। पहले इंदौर में चूड़ी बेचने वाले के साथ भी यही हुआ, फिर टोस्ट बेचने वाले के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और अब एक बार और फिर मध्य प्रदेश से ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक मुस्लिम धर्म के कबाड़ी बेचने वाले को लोगों ने मारपीट कर उससे जय श्री राम भी कहलवाया। कबाड़ी वाला मिन्नतें करता रहा कि उसे मजबूर न किया जाए, लेकिन गांव के लोगों ने ड्रॉप दिखाते हुए उसका सामान भी फेंक दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और मामला दर्ज कर कमल और ईश्वर नामक दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए और फिर आपको मामले की और जानकारी देंगे। उज्जैन में कबाड़ बेचने वाले से जबरन जय श्री राम का नारा लगवाने का मामला सामने आया है। गांव के कुछ युवकों पर जय श्री राम के नारे लगवाने का आरोप है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक एक कबाड़ी वाले से जबरन जय श्री राम का नारा लगाने का दबाव बना रहे हैं। पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इससे पहले इंदौर में भी एक चूड़ी बेचने वाले शख्स की जमकर पिटाई की गई थी। चूड़ी बेचने वाले शख्स पर पहचान छुपाने का आरोप था। उज्जैन जिले के झाड़वा थाने से सामने आए मामले में मुस्लिम कबाड़ी वाला अब्दुल रशीद सेकली गांव में कबाड़ खरीदने लगा था। बगैर परमिशन घुसने पर गांव के कुछ युवकों ने उसे जय श्री राम बोलने पर मजबूर कर दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दो को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी मिली है कि प्रताड़ित व्यक्ति महितपुर निवासी अब्दुल रशीद है, जो गांव-गांव जाकर अटाला खरीदने बेचने का काम करता है। शनिवार के दिन वो सकेली गांव पहुंचा था, जहां कुछ युवकों ने उसे रोका और उसका सामान फेंकने लगे। युवकों ने जबरदस्ती उससे जय श्री राम के नारे लगवाए और घटना के बाद घर पहुंचकर पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस में कर दी। पूरी घटना का वीडियो रविवार सुबह वायरल हो गया। इसमें दो युवक अब्दुल को जय श्री राम कहने के लिए प्रताड़ित करते नजर आ रहे हैं। जबरदस्ती जय श्री राम कहने से मना करने पर उसका सामान फेंका गया और बाद में उसने जय श्री राम बोला, तब जाकर युवकों ने उसे छोड़ दिया। गांव के ही लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। वहीं झाड़रा थाना पुलिस की ओर से बताया गया है कि कबाड़ी वाला अपने साथी के साथ सैकली गांव पहुंचा था, लेकिन दो युवकों ने उसकी गाड़ी से सामान फेंका और कहा, यहां कैसे घुसे, यहां धंधा नहीं कर सकते। जब अब्दुल वहां से निकला तो युवकों ने पिपलिया धुमा फंटा पर उसे फिर से रोक लिया और झूमा झटकी करने लगे। जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाया गया और जैसे तैसे अब्दुल वहां से निकला और परिचितों को बताया गया। इसकी शिकायत पर मामला भी दर्ज किया गया और दो आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, झाड़रा थाना पुलिस ने बताया है कि आरोपी कमल और ईश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर धारा 502, 506, 153 और कई अन्य धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। वहीं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बताया है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और फरियादी की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की है कि किसी भी तरह के अफवाह में ना आए और संदिग्ध गतिविधि की जानकारी सबसे पहले पुलिस को दी जाए। हालांकि इधर एसपी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, इससे मैं आम लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इसमें सबको संयम बरतने की जरूरत है। युवकों द्वारा अल्पसंख्यक व्यक्ति के साथ ही की गई बदसलूकी पर कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में एमपी में लगातार ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिल रही है, ये बेहद ही दुखद है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि ऐसी घटनाएं पहले इंदौर में और देवास में हो चुकी हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये घटनाएं किसी खास एजेंडे के तहत हो रही हैं? सरकार मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रही है, पूरे प्रदेश में अराजकता का वातावरण बनाया जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राज्य सरकार ऐसी सभी घटनाओं के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, हम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वचनबद्ध हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे वीडियो कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग द्वारा ही वायरल क्यों किए जा रहे हैं, क्या ऐसे वीडियो बनाने में कांग्रेस का हाथ है, क्या वो ही इन्हें फैला रही है। बता दें कि उज्जैन में मुहर्रम पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए थे, इससे भी दो पक्षों में तनाव बढ़ गया था। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया था, हालांकि पुलिस ने आरोपियों को रासुका कानून के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चलिए अब थोड़ी और जानकारी आपको इस मामले से जुड़ी दे देते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन के माहितपुर के फकीर मोहल्ले में रहने वाले 44 साल के अब्दुल राशिद पिछले 20 सालों से कबाड़ खरीदने का काम करते हैं। राशिद आसपास के गांवों में कबाड़ खरीदते हैं और उसे माहितपुर आकर बड़े कबाड़ियों को बेच देते हैं। शनिवार को जब रशीद संकेली गांव में कबाड़ खरीद रहे थे, तब उस वक्त कुछ हिंदूवादी युवाओं ने उन्हें रोका और पूछा कि वो किसकी अनुमति से यहां व्यापार कर रहे हैं। इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जो हमने आपको अभी दिखाया भी था। वहीं रशीद कहते हैं कि पुलिस ने मेरी पूरी बात सुनी और जिन दो लड़कों ने मेरे साथ जबरदस्ती की, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। वहीं घटना के वक्त वहां पर कई और लड़के भी मौजूद थे, लेकिन वो इतना शोर नहीं मचा रहे थे। रशीद कहते हैं कि पुलिस ने मुझे भरोसा दिया कि मेरे साथ बदतमीजी करने वाले लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही बता दें, वीडियो सामने आने के बाद उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया है कि थाना झाड़रा का एक ही वीडियो सामने आया है और इसमें जैसे ही जो आवेदक है जिसके साथ ये घटना हुई है, वो थाना झाड़रा में पहुंचे थे। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है।
वहीं एसपी सत्येंद्र कुमार ये भी कहते हैं कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, इसमें मैं आम जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है, इसमें सबको संयम बरतने की जरूरत है। और साथ ही संतोषी तत्व हैं जो इस तरह की घटनाएं पूरे समाज में गलत संदेश भी दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और इस पर पुलिस तत्काल संज्ञान भी लेगी, चाहे किसी भी पक्ष विपक्ष से संबंधित विषय ही क्यों ना हो। और अगर कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जाएगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। इंदौर में भी एक चूड़ी विक्रेता संघ की मारपीट की गई क्योंकि उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, ये आरोप उस पर लगाया गया। आरोप लगाया था ये भी कि उसने अपनी पहचान छुपा रखी थी। वहीं एक दूसरी घटना में एक और विक्रेता को इसलिए मारा गया क्योंकि वो अपना आधार कार्ड नहीं दिखा पाया था। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान दावा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और लोगों पर ना तो कानून का डर है ना प्रशासन का डर दिख रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नीमच में भी एक चोरी के कथित आरोप में एक आदिवासी युवक के साथ बेरहमी से हुई पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई और ऐसी ही घटना लगातार सामने आ रही है। और इस पूरी घटना में 8 नामजद लोगों में से ज्यादातर लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। भीड़ की हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चेतावनी दे रहे हैं लगातार। उन्होंने कहा कि ऐसा कुचलेंगे कि लोग ऐसा करने से पहले 17 बार सोचेंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि ऐसी घटना को दोबारा ना दोहराया जा सके, अपराधियों को कुचल कर रख दिया जाएगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में देश विरोधी नारे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और अगर कोई व्यक्ति देश के विरुद्ध में बात करेगा तो उसे पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा जरूर दिला रहे हैं लेकिन लोग जो है वो बाज नहीं आ रहे और बार बार इस तरह के मध्य प्रदेश से घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो ये कह दिया कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई एक घटना नहीं है। इस रिपोर्ट में आपको एक और ऐसी ही घटना दिखाते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के नीमच में मानवता को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां चोरी के शक में एक युवक को न सिर्फ पीटा गया बल्कि एक पिकअप से बांधकर घसीटा भी गया। इतनी यातना दी गई कि युवक ने आखिर दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने युवक के साथ बर्बरता का एक वीडियो भी बनाया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर लोग आरोपियों के किए के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। बता दें पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को चिन्हित किया है जिसमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन सभी लोगों पर हत्या और एस्ट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। घटना नीमच जिले के सिंगोली थाना क्षेत्र से सामने आई है। एक भील आदिवासी को चोर होने के शक में कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा और फिर भी मन न भरा तो एक पिकअप वाहन के पीछे रस्सी से पैर उसके बांधकर उसे दूर तक घसीटा। इसके बाद भी युवक को बेरहमी से पीटा गया और युवक को अधमरा कर आरोपियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और उन्होंने चोर को पकड़ा है। मौके पर सिंगोली पुलिस पहुंची और घायल को नीमच जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने अपनी बर्बरता का वीडियो भी खुद ही बनाया और खुद ही वायरल भी कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में बारीकी से जांच की तो पाया कि जिन लोगों ने वीडियो बनाया है उन्हीं लोगों ने उक्त आदिवासी व्यक्ति के साथ बुरी तरह से उसे पीटा और वाहन के पीछे उसे बांधकर घसीटा। नीमच एसपी सूरज वर्मा ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में 8 लोगों के खिलाफ हत्या और एस्ट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज करने के आदेश दिए। वहीं मुख्य आरोपी महेंद्र को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बाद आरोपी महेंद्र गुज्जर की पत्नी बांडा से सरपंच है। बता दें 45 वर्षीय मृतक कान्हा उर्फ कन्हैया भील
बांडा का रहने वाला है और मरने से पहले वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कन्हैया भील आरोपियों के हाथ पैर जोड़ रहा था और कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जबकि 2 मुख्य अभियुक्त समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आदिवासी युवक कन्हैया लाल भील कुछ लोगों के साथ अपने गांव जा रहा था, तभी इसकी बाइक गुज्जर समाज के एक व्यक्ति से टकरा गई। इस पर क्षेत्र के दबंग गुज्जर समाज के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने कन्हैया लाल को मारना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें पिकअप वाहन से बांधकर खसीटा गया और इस दौरान उनमें से एक व्यक्ति इस पूरी घटना का वीडियो भी बना रहा था। नीमच के पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने बताया कि घटना सिंगोली थाने की है और अभी 8 लोगों पर यह मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया और लिखा कि अब नीमच जिले के सिंगोली में कन्हैया लाल भील नाम के एक आदिवासी व्यक्ति के साथ बर्बरता की बेहद अमानवीय घटना सामने आई। मृतक को चोरी की शंका पर बुरी तरह से पीटने के बाद उसे एक वाहन से बांधकर निर्दयता से घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं सतना, इंदौर, देवास और अब नीमच में अमानवीयता की घटनाएं। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। लोग बेखौफ होकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। कानून का कोई डर नहीं, सरकार नाम की चीज कहीं भी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार फौरन इन मामलों में आवश्यक कदम उठाए। बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मध्य प्रदेश में इन दिनों इस तरह की घटनाओं का चलन सचल गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे तो यही लगता है। चलिए अब आपको ये अगली रिपोर्ट भी दिखाते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से आपको ऐसी ही एक और तस्वीर दिखाएंगे। हाल ही के दिनों में मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि अपराधियों को कानून का खौफ नहीं है। बीते एक हफ्ते में पिटाई के ऐसे मामले सामने आए जो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि प्रदेश में कानून नाम की चीज है भी या नहीं। रीवा में एक शख्स को चोरी का आरोप लगाकर पूरी तरह से बेल्ट से पीटा गया। वहीं उज्जैन में एक कबाड़ी वाले से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। नीमच में भी एक शख्स पर पहले चोरी का आरोप लगाया, फिर ट्रक से बांधकर उसे घसीटा गया। बाद में शख्स की मौत हो गई। इन सब के अलावा देवास में एक पीवी वाले को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उसने अपना आधार कार्ड नहीं दिखाया था। रीवा में भी चोरी के आरोप में एक शख्स को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा। वीडियो में शख्स आरोपी आदमी पर बेल्ट से ताबड़तोड़ वार करता दिखाई दे रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि उसमें पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। रीवा सिटी एसपी सचिंद्र प्रसाद ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं नीमच में आदिवासी को पिकअप वाहन से घसीटकर जान से मारने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने आरोपियों की अवैध संपत्तियों को धराशाही करना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस अमला जेसीबी मशीनों के साथ आरोपियों के घर पहुंची और अवैध कब्जे को हटा दिया। इस बीच पुलिस ने 8 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार लिया और दावा किया है कि जल्द ही बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वहीं देखिए, इस तरह की घटनाओं को देखकर यही लगता है कि लोगों में इंसानियत आकर रह नहीं गई है और लोगों में आजकल भाईचारा भी बचा नहीं है। दरअसल बरेली से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर एक नाबालिग को तालिबानी सोच रखने वाले लोगों ने ऐसी सजा दी जिसे कोई सोच भी नहीं सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान ने कोहराम मचा रखा है, वहीं कुछ तालिबानी सोच के लोग हिंदुस्तान की सरजमी पर भी शरियत थोपने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला यूपी के बरेली का है, जहां एक नाबालिग लड़के को तालिबानी सोच रखने वाले कुछ मौलवियों ने इसलिए इस्लाम से खारिज कर दिया क्योंकि वो अपना जीवन यापन करने के लिए हिंदुओं के यहाँ काम करता है। वो सभी धर्मों पर विश्वास करता है, इसीलिए हिंदू भी उसके दोस्त हैं। लेकिन ये बात इन धर्म के ठेकेदारों को मंजूर नहीं है, इसीलिए उसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया है और सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया है।
दरअसल बरेली में एक बार फिर इस्लाम से एक युवक को खारिज करने का मामला सामने आया है। इससे पहले तीन तलाक पीड़िता और आला हजरत खानदान की बहू निदा खान को भी इस्लाम से इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने तीन तलाक के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस बार एक नाबालिग लड़के को इसलिए इस्लाम से खारिज कर दिया है क्योंकि वो हिंदुओं से दोस्ती रखता है और उनके प्रतिष्ठान पर नौकरी करता है। मैं जो हूँ सारे मजहबों के संग बैठता हूँ, मैं अपना बैठना सभी के संग है, पंडित भी है, शिया भी है, सभी हैं, सारे धर्मों के संग बैठता हूँ। मेरे मोहल्ले वालों को जो इमाम साहब हैं, जो और लोग हैं मतलब खुराफाती टाइप के, उनको अतराज़ है इस बात पे बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा बिल्कुल इस्लाम से मुझे खारिज कर दिया, मेरा घर में से निकलवा दिया, मुझे मेरा बिल्कुल हुक्का पानी बंद कर दिया। मैं किसी भी बोल नहीं सकता किसी से, मैं किसी के लिए जाऊँ कोई भी मुझसे नहीं बोलेगा, चचेरे भैया सगे भैया कोई नहीं, बिल्कुल मेरा बाइकाट कर दिया। और कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस 10-15 लोग हैं, वही खुराफाते फैलाए हुए बहुत ज़्यादा मोहल्ले में। कौन मौलाना है? मौलाना है, कामरान है, और बाबूजी हैं एक, और एजाज मियाँ। किस मस्जिद के हैं ये? ये साई लगर एक मीना मस्जिद में। कुछ लोग इसमें ऐसे ही मतलब इमाम भी नहीं है ना हाफिज है, लेकिन वो लोग को मतलब संग में रहते हैं। क्या कहते हैं वो लोग? मतलब मुझसे कहते हैं मतलब किसी भी दूसरे धर्म के संग रहेगा तो किसी भी संग तो हमारे यहाँ बिल्कुल मत आ, ना तेरी जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी और तू इन लोग का साथ नहीं छोड़ेगा, ना तेरी बहनों की शादी किसी से मतलब होने देंगे। तो अब क्या हुआ, घर से भी आपको बेघर होना पड़ा? जी, मुझे बेघर कर दिया बिल्कुल। और मैं जो हूँ कहीं भी इस टाइम में लेट जा रही हूँ, सो जा रही हूँ, कोई ठिकाना नहीं है मेरा। ये फरमान अली एक नाबालिग बच्चा है जो मेरे पास आया और इसने बताया कि इसको इसके मस्जिद के जितने भी इमाम हैं उन लोगों ने इसको इस्लाम से खारिज कर दिया है, इसका हुक्का पानी, इसके घर वालों का हुक्का पानी बंद कर दिया है सिर्फ इसलिए कि ये दूसरे मज़हबों से ताल्लुक़ रखता है, ये रोज़गार के लिए दूसरे मज़हबों में भी काम कर लेता है, जो इसके मालिक होते हैं वो दूसरे समुदाय से जुड़े लोग होते हैं। तो इस वजह को लेके उन लोगों ने इसको इस्लाम से खारिज किया और इस तरह से टॉर्चर भी किया है कि इसकी बहनों की शादी हम मुस्लिम कम्यूनिटी में नहीं होने देंगे अगर ये नहीं माना तो। इसी वजह से इसको आज 15 दिन हो गए घर से बाहर निकाल दिया गया है, घर वालों ने भी इसका साथ छोड़ दिया है और ये दर बदर बेचारा ठोकरे खाता फिर रहा था। तो इसने मुझे आके बताया, ये मामला पिछले साल भी उठा था, तब भी इसको इस्लाम से खारिज किया गया था। ये जब भी अपने इलाके में जाता था तो इसको पत्थर और अंडे मारे जाते थे, तब मैंने पहले थाने में तहरीर दी थी, जब तहरीर दी तो उन लोगों ने आके इस बात को लेके माफ़ी मांग ली थी मुझसे। तो मैंने इसमें समझौता कर लिया कि ठीक है एक बार इनको मौका दे दिया जाए, उन्होंने अपना लिखित में माफ़ीनामा भी लिखा था और समझौता भी किले थाने में पिछले साल किया था, फिर भी वो अभी तक अपनी खुराफातों से बाज नहीं आए। देश में रह के इन जैसे लोग लगातार गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ, देश में रह के वो चाहते हैं कि हम किसी समुदाय, हिंदू समुदाय या अदर फिरके में, मुस्लिम कम्युनिटी में ही हम ताल्लुक ना रखें। तो ऐसा नहीं हो सकता है, हम देश में रहते हैं, हम सबके साथ उठेंगे बैठेंगे, सबके साथ रहेंगे, हर जगह काम करेंगे। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले ये मुफ्ती मौलाना ऐसे कथित नहीं होते हैं। बरेली के किला थाना क्षेत्र के रहने वाले किशोर को धर्म के ठेकेदारों ने इस्लाम से खारिज कर दिया है, इतना ही नहीं उसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया। युवक का कसूर सिर्फ इतना है कि वो हिंदू समुदाय के लोगों के साथ काम करता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी जगहों पर जाता है, जिस वजह से सवाले नगर स्थित एक मीनार मस्जिद के मौलाना ने नाबालिग के खिलाफ फतवा जारी कर उसे घर से निकलवा दिया है। उसके घर वालों को भी धमकी दी गई है कि अगर तुमने अपने बेटे से संबंध रखा तो तुम्हारी बेटियों की शादी नहीं होने दी जाएगी और तुम्हारा भी हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, जिस वजह से नाबालिग के परिवार वालों ने भी उससे अब रिश्ता तोड़ दिया है। फतवे में कहा गया है कि नाबालिग के मरने पर नवाज़े जनाजा भी नहीं पढ़ा जाएगा। नाबालिग ने किला थाने में तहरीर दी है, वहीं अब पीड़ित लड़का दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है, पुलिस भी इस पूरे मामले में उसकी नहीं सुन रही है। फरहत नकवी का कहना है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने किला थाने में पीड़ित लड़के से तहरीर भी उन्होंने दिलवाई है। हालांकि करीब 2 साल पहले आला हजरत खानदान की बहू और 3 तलाक पीड़िता निदा खान को भी धर्म के ठेकेदारों ने इस्लाम से खारिज कर दिया था।
बरेली में एक नाबालिग का हुक्का पानी सिर्फ इस वजह से बंद कर दिया जाता है कि वह दूसरे समुदाय के लोगों में बैठता है, उनके साथ रोजगार करता है और उनके धार्मिक स्थलों पर जाता है। वहीं कुछ धर्म के ठेकेदारों ने फतवा जारी कर उस नाबालिग को इस्लाम धर्म से खारिज कर दिया। और बात की जाए घर वालों की, तो घर वालों को इस संबंध में धमकियां दी जा रही हैं कि अगर अपने बेटे से संपर्क रखोगे तो तुम्हारी बेटियों की शादियां इस्लाम धर्म में नहीं होने देंगे। अब देखना यह है कि इन धर्म के ठेकेदारों पर कार्रवाई कब तक होती है। बरेली से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए पवन। तो इस तरह की जो चार तस्वीरें और चार घटनाएं हमने आपको बताई और दिखाई, उससे यही कहा जा सकता है कि लोगों में इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि धर्म के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये मजहबी धर्म क्यार में राष्ट्रीय धर्म की उपेक्षा और असहयोग नहीं हो रहा? क्या अपनी भावनाओं के कारण राष्ट्र की करोड़ों जनता की समस्याओं को कुचलते हुए राष्ट्र को क्षति पहुंचाया क्या धर्म है? क्या ये जरूरी है कि अगर किसी को किसी मोहल्ले में सामान बेचने जाना है तो उसे पहले अपने धर्म का डंका बजाना पड़ेगा? सवाल उठता है कि लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए किसने कहा? क्यों आखिर भीड़ एक शख्स पर हावी हो जाती है? क्यों आखिर इस तरह से धर्म के नाम पर अधर्म किया जाता है? इन्हीं सवालों के साथ आपको आज छोड़े चलते हैं। नमस्कार। नया सवेरा, नया सफर, नया है आगाज। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत।